पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आप अभी के लिए मेरे दादाजी का इलाज कर दीजिए ना, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। बात 5 रुपए की हुई थी सुभाष, इलाज के लिए 4 रुपए और चाहिए। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तब इस खिलौने को याद कर लेना, या किसी भी ऐसी चीज या ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती हो। क्या बात है सुभाष, मेरी बात सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा है? आ तो रहा है साई, लेकिन अब मैं अपने क्रोध को अपना मन खराब नहीं करने दूंगा। अच्छी बात, अब खाना खा लो और सो जाओ, कल बाकी के पैसों का इंतजाम करने के लिए भी तो जाना है। लो, यहीं बैठ के खा लो। ये ऐसा खाना मैं नहीं खाता, रुका सुखा खाना मुझे जरा भी नहीं पसंद। मुझे तो घी में बने पकवान पसंद है, वो भी ताजा। शिरडी में ज्यादातर लोग सादा खाना ही खाते हैं सुभाष, तो इसलिए यहाँ ऐसा ही खाना मिलेगा। हाँ ठीक है, फिर मैं नहीं खाऊंगा। सुभाष, खाने को ना नहीं करते बेटा, खा लो। दादाजी, जिस ऐशो आराम से मैं अपने घर में रहता हूँ वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला, फिर भी सह लिया। लेकिन ऐसा खाना खाने से अच्छा है मैं भूखा ही रहूं। और मैं कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हूं साई, आप तो जानते हैं ना मैं कौन हूं। सुभाष, तुम किसके बेटे हो, कितने बड़े खानदान से हो ये मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो कुछ बने हैं उसमें उनका परिश्रम है, तुम्हारा इसमें क्या योगदान है? जो पाया है उन्होंने पाया है, तुमने नहीं। मुझे यकीन है सुभाष, एक दिन तुम अपने परिश्रम से कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हें अपने आप पर और तुम्हारे दादाजी को तुम पर गर्व होगा। उस दिन तुम्हारी अपनी पहचान होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अहंकार छोड़कर विनम्रता से जीना होगा। अगर आपको ये अहंकार लगता है तो अहंकार ही सही, क्योंकि ऐसे घर में पैदा होना भी किस्मत वालों को नसीब होता है। और अगर मुझे इस बात का अहंकार है तो है, और रही बात खाने की तो ऐसा खाना मैं नहीं खाता, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। बेटा खाना तो खा लो। चिंता मत कीजिए अमरपाल जी, जीवन के अनुभव हैं, लेने दीजिए इसे, इसी के काम आएंगे। मेरे पास 8 नोट है, इसमें से 4 आपके 4 मेरे, ठीक है जी। 1, 2, 3, 4 जी। खैरिये संता जी, गलत कर रहे हैं आप। जब मैंने अपने पैसे आधे आधे बांटे तो आपको भी आपके पैसे आधे आधे बांटने चाहिए ना। ये लीजिए, 1, 2 और हिसाब बराबर। अच्छा है संता जी की बुद्धि कमजोर है, मेरा फायदा हो गया। इतने सारे पैसे मेरे घर में चोरी करते हो, मेरे घर में चोरी करते हो तुम लोग। नहीं नहीं सरकार, हमने तो एक लड़के से चुराए थे। चोरी करते हो, चोरी, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जब आपको शर्म नहीं आती सरकार तो हमें क्या? जबान काट दूंगा तेरे गधा गई का।
वैसे कौन आया है शिरडी में जो इतने सारे पैसे जेब में लेकर घूम रहा है? सुभाष नाम है सरकार। जब हमने पता किया तो पता चला कि वो जो है ना, हरिओम हरिओम, तो वो फकीर उपचार के पैसे लेने लगा है। ये तो शुभ समाचार है। ये पहले भी बता सकते थे तुम लोग। लेकिन सरकार, इससे आपको क्या? बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मुझे इससे क्या लेना देना है। हरिओम हरिओम। नमस्ते काका। खुश रहो बेटा। घोड़ा गाड़ी बनाने का काम शुरू करें? घोड़ा गाड़ी? साई का आदेश है कि मैं कमल को घोड़ा गाड़ी बनाना सिखाऊं। कमल बेटा, आज हम घोड़ा गाड़ी का पहिया बनाना सीखेंगे। बेटा तुम औजार लेके आ जाओ और फिर लकड़ी के तख्ते को एक एक गज के दो टुकड़ों में काट लो। जी काका। बैलगाड़ी बनाना? दादाजी, आप इतने बड़े इंसान होकर भी इतना छोटा काम करेंगे? शोभा नहीं देता। और मेरे होते हुए आपको इतनी सारी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता सुभाष, छोटी बड़ी हमारी सोच होती है। तुम्हारे दादाजी इतने पैसे वाले बने, तुम्हारे बाबा को पढ़ाया, वो यही काम करके हुआ ना। और किसी को अपनी विद्या देना तो अच्छी बात है सुभाष। हाँ सुभाष, और मुझे भी इतने सालों बाद थोड़ा बहुत काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। साई, उस लड़के को सिखाने के लिए दादाजी का यहाँ रहना भी तो जरूरी है, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। और रही बात 4 रुपए की, वो तो मैं आज ही ले आऊंगा। उसके बाद आपको दादाजी के आंखों का इलाज करना होगा, और इलाज होते मैं दादाजी को यहाँ से लेकर भी चला जाऊंगा। एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगा। 4 रुपए का इंतजार रहेगा मुझे। दादाजी। हाँ बेटा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल होकर लौटूं। बेटा, ये तेरे हाथ में क्या हुआ है बेटा? दादाजी, कल मुझे पैसे कमाने के लिए मटके बनाने पड़े, और चाक घुमाते वक्त मुझे ये हाथ में छाले आ गए। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मेरा पोता मेरे लिए इतना कष्ट उठाए? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बेटा, साई नजदीक तो नहीं है ना? जी नहीं। लेकिन दादाजी, ये क्यों? बेटा, ये किसी सुनार को दे देना, और इसके बदले में उससे 4 रुपए ले लेना। तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती बेटा। लेकिन दादाजी। बेटा तू लेके जा, और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है बेटा। कमल बेटा, लकड़ी को अच्छी तरह से घिसना, और ये सुनिश्चित कर लेना कि लकड़ी बिल्कुल चिकनी रहे। फिर लकड़ी के 4 एक समान टुकड़े काट लेना। जी काका। साई, सुना है उस दिन आप
षड्रिपुओं के बारे में बता रहे थे, जरा विस्तार से बताइए ना। षड्रिपु मतलब मन के छह शत्रु, और इनमें एक बहुत बड़ा शत्रु है अहंकार। अहंकार में मनुष्य के मन में मैं सबसे बड़ा बन जाता है, और जहां मैं हूं वहां समस्या सुलझने के बजाय उलझ जाती है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।